हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम किसी इमेज फाइल के कंटेंट को या फिर अपने किसी हार्ड कॉपी के कंटेंट को एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए थ्री मेथड्स लेकर आई हूँ जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेज फाइल के कंटेंट को या फिर अपने हार्ड कॉपी के कंटेंट को ईजी वे में एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट मेथड से। उस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना कोई भी हार्ड कॉपी का जो भी आपको कन्वर्ट करनी है एडिटेबल डॉक्यूमेंट में, उसको आपको एक फ़ोटो क्लिक करके अपने पीसी या लैपटॉप में सेव करना होगा। यहाँ पर एक इमेज फाइल को मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप में सेव करके रखा है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे अभी एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट में। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन करूँगी। इसको ओपन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। आपको अपने सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा एप्लीकेशन का नाम है आपके वन नोट। ये वन नोट एप्लीकेशन आपके पीसी में पहले से ही अवेलेबल होगा, आपको इसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, एक एप्लीकेशन है। इसको अब मुझे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको जिस तरह का इंटरफेस यहाँ पर विजिबल है, आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आप फर्स्ट टाइम अभी अपने वन नोट को ओपन करेंगे तो आपको ये ब्लैंक यहाँ पर पेज विजिबल होगा। तो अभी ब्लैंक पेज ओपन करने के लिए मुझे जाना होगा यहाँ पर होम फाइल टैब पर। फाइल टैब पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा न्यू, क्योंकि मैं एक नया पेज ओपन करना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा कंप्यूटर। अब मैं यहाँ पर अपने फाइल का, अपने नोट का नाम दे दूँगी, न्यू नोट वन और फॉर एग्जाम्पल टू। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगी क्रिएट नोटबुक। आप जैसे ही अपना न्यू नोट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज विजिबल होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है अपने इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन विजिबल होगा जिसका नाम है स्क्रीन क्लिपिंग। तो अब आप इसको क्लिक करिए। अब आपको हमेशा ये बात ध्यान रहे कि जब भी आप अपना स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो फ़ोटो है वो ऑलरेडी आपने उसको पहले ही ओपन किया हो। मीन्स वन नोट एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आपके पीसी पर आपने अपनी फ़ोटो को ओपन करके रखा हो। चलिए, तो ये मेरा फ़ोटो है जिसके कंटेंट को मुझे एडिटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके जितने पोर्शन को आपको कन्वर्ट करना है एडिटेबल डॉक्यूमेंट में, उतने पोर्शन को हम यहाँ पर क्लिप कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ इतना ही कंटेंट चाहिए, तो मैं इस पोर्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगी। जितने पोर्शन को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके इस ब्लैंक पेज में आपको यहाँ पर विजिबल होगा। अब इसे मुझे कन्वर्ट करने के लिए इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर करना है। अब आप यहाँ पर जो ब्लैंक एरिया देख रहे हैं, आपको इस ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको ये थर्ड वाला पेस्ट ऑप्शन यूज़ करना है, कीप टेक्स्ट ओनली। जो भी कंटेंट आपका इस इमेज में है वो कंटेंट आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब आप इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद अपनी किसी भी फाइल में, वर्ड फाइल में, एक्सेल फाइल में, जहाँ भी आपको इस कंटेंट को पेस्ट करना है आप पेस्ट कर लीजिए। और इसमें ईजिली आप जो भी चेंज करना चाहेंगे ईजिली कर पाएंगे, जो भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहेंगे आप कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पर आपको डिलीट करके दिखाती हूँ, तो ये कंटेंट आपका ईजिली डिलीट हो पा रहा है, एडिट हो पा रहा है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिसकी हेल्प से हमने इमेज फाइल को एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया है। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और अब मैं आपको बताऊँगी आपका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड को यूज़ करने के लिए आपके पास एक गूगल आईडी होनी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे अपना क्रोम। क्रोम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे इन 9 डॉट्स पर, इसको क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर अपनी ड्राइव ओपन करनी है। अब आपको अपनी ड्राइव ओपन करने के लिए अपनी लॉगिन आईडी में साइन इन होना पड़ता है। ऑलरेडी मैं यहाँ पर अपने अकाउंट में साइन इन हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर ड्राइव पर क्लिक कर दूँगी। अगर आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन नहीं है तो आप उसको साइन इन कर लीजिए, तो भी आप अपने ड्राइव वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ड्राइव पर चली गई हूँ। ड्राइव पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा न्यू ऑप्शन। अब आपको अपनी उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर लेना है जिस फाइल को आपको कन्वर्ट करना है एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट में। तो आपको क्लिक करना है फाइल अपलोड और जो भी फाइल आपको चाहिए आपको उस फाइल को यहाँ पर क्लिक करके ओपन करना है और वो फाइल आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल मेरी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है, इसलिए वो एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है मुझे, डुप्लीकेट फाइल अपलोड। वो दिखा रहा है कि आपने ऑलरेडी इस फाइल को अपलोड किया हुआ है। तो आई विल क्लिक ऑन गॉट इट।
तो फिर भी वो आपका दूसरे वर्जन यहाँ पर लिखकर उसी को कीप एज अ सेपरेट फाइल, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगी तो मुझे ये इसी फाइल को एक और कॉपी यहाँ पर क्रिएट कर देगा। तो मैं अभी इसको यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये फाइल अपलोड है। तो ये मेरी वो फाइल थी जिसको मैंने अपलोड किया था। मुझे क्या करना है इस फाइल के ऊपर, इस फाइल को ओपन नहीं करना है, मुझे इस फाइल के ऊपर अपने पॉइंटर को लेकर जाना है और यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है ओपन विद पर। ओपन विद पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है गूगल डॉक्स पर। जैसे ही आप गूगल डॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल डॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और आप उसमें देखेंगे कि आपको क्या विजिबल होता है। जैसे ही आप गूगल डॉक्स अपना ओपन करेंगे तो आप देखेंगे जो इमेज आपने अपलोड की थी वो इमेज आपको यहाँ विजिबल है और उसका जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर विजिबल होगा, जिसको हम एडिट इजीली कर सकते हैं। अब आपको इस कंटेंट को या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करिए और अपने वर्ड फाइल में इसको सेव कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल टैब में जाइए, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड आपको किस फॉर्मेट में करना है आप उसी फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल उसी फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक कर दूंगी। आपकी फ़ाइल नीचे देखेंगे, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम पे। इसको मैं अब ओपन करके देख लेती हूँ। तो आपकी एमएस वर्ड की जो फ़ाइल है आपकी वो ओपन हो जाएगी। इसको मैं एनेबल एडिटिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एडिट करना है जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पर एडिटेबल किया है। तो ये मेरा वो कंटेंट है। अब मैं इसको कैसी भी किसी भी तरह की इसकी फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट मुझे चेंज करना है, मुझे इसका साइज़ चेंज करना है, तो जो भी आप चाहते हैं अब आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा सेकंड मेथड। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड पे। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई गूगल आईडी नहीं है, मुझे ड्राइव नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एक और मेथड है जिसको आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो हमारा थर्ड मेथड है, आपको दोबारा से अपने क्रोम को ओपन करना है लैपटॉप या पीसी पर और आपको यहाँ पर गूगल सर्च में टाइप करना है ऑनलाइन ocr.net। अब ये जो आपकी वेबसाइट है इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा। तो आपको टाइप करना है यहाँ पर ऑनलाइन ocr.net। आपको यहाँ पर इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेना है। इस तरह की आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आपको अपनी फ़ाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिस फाइल को आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक लिमिट है कि आप 15 MB से ज़्यादा कोई भी फाइल को अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल अभी सेलेक्ट कर लेती हूँ जिस फाइल को मुझे अपलोड करके कन्वर्ट करना है उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। तो मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइल है, एक फ़ोटो है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और ये देखिए ये कन्वर्ट हो गई है यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेती हूँ। अब जो भी कंटेंट उस फाइल में था वो आपको सारा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ये सारे कंटेंट जो उस फाइल में थे ये सब कुछ यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं इस कंटेंट को इजीली यहाँ पर कॉपी कर लूँगी और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर लूँगी। तो ये थे हमारे 3 मेथड जिसकी हेल्प से आप अपनी इमेज फाइल को, अपने हार्ड कॉपी के कंटेंट को ईजिली एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये तीनों मेथड अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं और मैं आगे भी आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में मिलूँगी और टिल देन यू कैन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।